हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। तो आज की इस वाली वीडियो में आप सबको इस टाइप का एडिटिंग सिखाने वाला हूँ जो कि देखने में काफ़ी अमेजिंग से लग रहा है एंड आप सब इजीली कर सकते हो। एंड आप सब अपनी फोटो को इस टाइप की बना के इंस्टा पे पोस्ट करेंगे तो आपके वहाँ पे हज़ारों लाइक आने वाले हैं। एंड मैंने अपने सेकंड चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड किया बर्थडे ब्लॉग, तो आप सब ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो को जाकर जरूर से देखना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको अपने मोबाइल के अंदर पिक्सार ऐप को ओपन करना है एंड वहाँ पर आप सभी को इस वाले बैकग्राउंड को लेकर चले आना। एंड मैं आप इस फोटो एडिटिंग के लिए बैकग्राउंड जो भी यूज करूंगा वो उसका लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सब वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर लेना। तो इस बैकग्राउंड को लाने के बाद आप सभी को डायरेक्ट चले आना है ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सभी को यहाँ से एक इंस्टा आइकन पीएनजी को ऐड कर लेना। आप जैसे इस पीएनजी को लाओगे तो आपको सिंपल यहाँ पे इस टैप से ऐसे इस वॉल पे परफेक्ट सेट कर देना। आप इसे परफेक्ट जैसे ही सेट करोगे तो उसके बाद आप इसका शैडो बना लेना। एंड शैडो बनाने के बाद आप सभी इसे परफेक्ट अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद फिर सिंपल आप यहाँ पे डन कर देना। ओके, तो आपको इस तरीके से इस इंस्टा आइकॉन को इस वॉल पे परफेक्ट सेट कर देना। एंड उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे चले आना ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सभी को इस बार ऐड कर लेना अपनी फोटो जो आपने कट करके रखा है एडिट करने के लिए। तो मैं यहाँ से अपने उस फोटो को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो किधर गया वो, तो ये रहा। एंड अगर आपको कटआउट करना नहीं आता तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही है, जाकर आप ये वीडियो देख लेना, आप लोग कटआउट करना सीख जाओगे। तो आप लोग अपने फोटो को लाने के बाद इस तरीके से इस वॉल पे इस बैकग्राउंड पे परफेक्ट सेट कर लेना। एंड जैसे आप अपने फोटो को परफेक्ट सेट कर लोगे तो सिंपल आप यहाँ पे डन कर देना। ओके, बस इतना ही करना आपको। एंड इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे चले आना ऐड फोटो में। इसके बाद एंड आपको यहाँ से फिर एक पीएनजी को ऐड कर लेना, वो एक न्यू एंड हार्ट टाइप का है ना, वाइट हार्ट पीएनजी। तो हम उसे यहाँ से ऐड कर लेंगे तो डाउनलोड के फोल्डर में हमें वो मिलेगा। तो ये रहा, तो हम यहाँ से न्यू एंड हार्ट मतलब वाइट हार्ट पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। एंड ऐड करने के बाद आप सभी को सिंपल इसका ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर देना। एंड इस टाइप से इधर साइड में हम लोग को वॉल पे सेट करना है इसे। एंड परफेक्ट सेट करने के बाद इसका एक हम लोग डुप्लीकेट यहाँ पे बना लेंगे और इधर साइड में भी हम लोग एक यहाँ पे इसे सेट कर देंगे। आप जैसे इसे वाइट हार्ट न्यू एंड हार्ट को सेट कर लोगे तो सिंपल आप यहाँ पे फिर डन कर देना। ओके, बस इस तरीके से इस पीएनजी को आपको सेट करना। एंड इसके बाद आपको फिर से चले आना यहाँ पे ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सभी को इस बार ऐड कर लेना है कि जो आई जी लवर पीएनजी है, जो टेक्स्ट फॉन्ट है, हम लोग को उसे ऐड कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ से इस आई जी लवर टेक्स्ट फॉन्ट को ऐड कर लिया। एंड ऐड करने के बाद आप सभी को इस टाइप से ऐसा यहाँ पे ऊपर के साइड में सेट करना। परफेक्ट आप ये सब सेट कर लेना। उसके बाद आप सभी से शैडो बना लेना इसका और एडजस्ट कर लेना शैडो को। एंड उसके बाद सिंपल डन कर देना। बस आपको इस तरीके से आई जी लवर टेक्स्ट फॉन्ट को सेट करना है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। एंड इसके बाद आपको फिर से चले आना है यहाँ पे ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सभी को इस बार ऐड कर लेना है कि शैडो पीएनजी को। ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पे सूज के पास सेट करने वाले हैं। शैडो पीएनजी को लाना आप सब एंड यहाँ पे इसे सूज के पास सेट कर देना परफेक्ट अच्छे तरीके से। एंड इसका एक डुप्लीकेट बना लेना आप सब। एंड दोनों मतलब स्विच के पास तो सेट करना आपको मालूम ही है। एंड उसके बाद आप सब इरेज वाले ऑप्शन में आने के बाद जो भी मतलब स्विच के ऊपर आ जाएगा आप सब उसे इरेज कर लेना इस तरीके से। एंड उसके बाद ओपेसिटी कम करके डन कर देना। बस आप सभी को इस तरीके से शैडो पीएनजी को सेट करना है। एंड उसके बाद आप सभी को अपनी इस फोटो को ड्रॉ टूल के अंदर लेके चले आना। एंड ड्रॉ टूल के अंदर लाने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना एंड अपने फोटो को सेव कर लेना। इस तरीके आपको बस इतना ही करना था पिक्सआर्ट के अंदर। एंड अब आपको ओपन कर लेना लाइटरूम ऐप को। तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइटरूम के अंदर अपने फोटो को लाने के बाद आपको डायरेक्ट चले आना कलर वाली ऑप्शन में। यहाँ पे आप सभी को वाइब्रेंस को इंक्रीज करना है। ओके, कुछ अराउंड 38 रखना है। उसके बाद आप सब मिक्स में चले आना। मिक्स में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर पर चले आना, इसका लुमिनेंस इंक्रीज करना है। ओके, एंड येलो कलर पे आना, सैचुरेशन -100 कर देना आपको। एंड ग्रीन कलर का भी सैचुरेशन -100। इसके बाद आपको चले आना ब्लू कलर पे। ब्लू कलर पे आने के बाद इसका सैचुरेशन भी माइनस की तरफ रखना। ओके, एंड उसके बाद सिंपल आपको मिक्स से हो जाना डन, मिक्स से निकल जाना आप सभी को। एंड इसके बाद आपको चले आना इफेक्ट वाले ऑप्शन में, जहाँ पर आपको क्लैरिटी को इंक्रीज करना, विग्नेट को माइनस की तरफ। ओके, एंड नीचे की साइड आपको डिटेल वाले ऑप्शन में आना, शार्पनेस को इंक्रीज करना है यहाँ पे। बस इतना ही करना, कलर नॉइज रिडक्शन को इंक्रीज करना एंड स्मूथनेस को फुल कर देना, जो हमेशा हम लोग करते आए हैं लाइटरूम के अंदर। इसके बाद हमें फिर से चले आना कलर वाले ऑप्शन में, जहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर को माइनस की तरफ रखना, जो आपको टेम दिख रहा है इस अमाउंट को माइनस की तरफ रखना, क्योंकि हमें यहाँ पे फोटो में ब्लू टोन चाहिए, ज़्यादा माइनस मत करना आप सब। एंड इसके बाद अपने यहाँ से निकल जाना कलर वाले ऑप्शन से। एंड आप सब अपने फोटो का बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी चमक आ गई है। सो होपफुली कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हुई, तो लाइक जरूर से करना। वीडियो कैसी लगी आप सब नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड आप सब कहीं भी पोस्ट करना, इंस्टा हो या फेसबुक, कहीं पे भी किसी भी जगह पे, बस आपसे मेरा हैशटैग जरूर से यूज करना ताकि मैं आपके पोस्ट को लाइक कर सकूं। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।